कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों सबों को मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम और मेरा फ्रेंड का नाम सनी है, ये मेरा दोस्त रहा सनी, हाय करते एक बार। ये हम और मेरा दोस्त दोनों घूमने के लिए आए हुए हैं। घूमने के लिए हम लोग दोस्तों मंदार पर्वत की ओर आए हैं, ठीक है। मंदार पर्वत के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ देर में। पहले आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे बस ही बस नज़ारा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जितना भी ये हमारे चारों तरफ में देख रहे हैं, ये सभी को सभी लोग आए हैं ये मेला देखने के लिए। इस मेला का एक खासियत है दोस्तों कि ये 2018 में इसको बिहार सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं क्यों फेमस नहीं है, सारा चीज़ को हम आपको दिखाते हैं और उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदार पर्वत की। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। आप ज़्यादा देख सकते होंगे ज़्यादातर लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप कभी यहाँ पे आएँ तो मास्क ज़रूर लेकर के आएँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। ये हमारे इस साइड में देख सकते हैं जितना भी सब जगह गाड़ी का पड़ा हो, यहाँ पे आप लोग गाड़ी रख सकते हैं, कुछ चार्ज लेता है उनका, और उसके बाद गाड़ी आप लोग रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कुछ पुलिस प्रशासन आए हुए हैं, इन लोगों का चेकिंग करना है कि ये लोग मास्क पहने नहीं पहने। तो ये काफ़ी बढ़िया सुविधा दिया गया सरकार के द्वारा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन है जो मास्क चेकिंग का अभियान लगाए हैं, ठीक है। तो हम आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं या जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि उन सबों से कि आप लोग मास्क ज़रूर पहनिएगा। चलिए मैं सर से इन सरों से बात करता हूँ, इन्होंने काफ़ी अच्छा लगाया कि मास्क चेकिंग अभियान लगाया, ठीक है। मैं इन सर से बात करता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ बात करके, ठीक है। बोल लीजिए सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहिएगा सर? अभी मास्क चेकिंग जो अभियान चल रहा है, मास्क पहने, कोरोना को देखते हुए बिना मास्क के अनावश्यक न घूमें, भीड़ भाड़ न लगाएं, सावधानी बरतते हुए मेला पर रोक है प्रशासन की तरफ से। कोरोना को देखते हुए प्रचार, कोरोना के प्रसार को देखते हुए इन सब चीज़ों पर रोक लगाई गई है। तो सबसे अनुरोध है कि बिना मास्क के यहाँ पर न घूमिए और सावधानी बरतिए, भीड़ न लगाइए, सुरक्षित पूजा का आनंद लीजिए। तो आप लोगों ने देखा, ये बिहार के SI थे अरविंद सर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ के लोगों को सुझाव दिया कि आप लोग मास्क बिल्कुल लगाइए, ताकि ज़्यादातर ये जो ओमिक्रॉन का वायरस है ज़्यादातर ना फैल सके, ठीक है। तो सरों का बात तो आप लोग मानिए, और मेला में जो भी लोग आए हैं वो लोग इन्जॉय कीजिए। सामने आप लोग देख रहे दोस्तों, ये पाप हार्नित सरोवर है, ठीक है। ये वैसे मान्यताएँ हैं कि जो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं उनके चर्म लोग खत्म हो जाते हैं। अंदर में नज़र आ रहा है कि एक मंदिर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मंदिर अगर हम बात करें तो विष्णु और लक्ष्मी माँ की ये मंदिर है दोस्तों, जो पानी के बीचों बीच में है, देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग उस पहाड़ की ओर चलेंगे। बोलिए सर, ये निःशुल्क पुस्तक मंगवाने का पर्ची भी दे रहे हैं, और जीने की राहत पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, भक्ति से भगवान है, खतरे की जान है, ये सब हम लोग प्रचार में आए हैं। इसके द्वारा 3-4 बुक बताया गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग सबको देख लीजिए, ये जो भी ज्ञान गंगा है, ठीक है, ये एक संस्था के द्वारा है। तो इन्होंने अपने भक्ति भाव से कुछ बताया आप लोगों को, तो हमको उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक बार ये बुक है जो बहुत ही कम कीमत रखा गया, 5-10 रुपये करके कीमत रखा गया दोस्तों, और आप मैं एक किताब को एक ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोई सा भी बुक उठा लेता हूँ, जीने की सही राह ले लेता हूँ, ठीक है। 3 पुस्तक खरीद लिया दोस्तों, देख लो, ठीक है, भक्ति से भाव भगवान और जीने की सही राह। तो ये 2-3 बुक मैंने खरीद लिया है, काफ़ी कम कीमत में था, 20-25 रुपये में 3 बुक मिल जा रहा है। तो अगर आपके जीवन में ये बुक का कुछ बदलाव कर रहा है 20-25 रुपये में, तो बिल्कुल कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल खरीद लो यहाँ, ठीक है। ये खाना मिल रहा है यहाँ, पेट पूजा कुछ भी खा सकते हैं। इससे शुरू हो जाता है दोस्तों पहाड़ चढ़ने का सिलसिला, ठीक है। तो हम लोग अब सीढ़ी बना दिया गया, तो सीढ़ी के द्वारा हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हैं पहाड़ पर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वो पहाड़ जाना दोस्तों ऊपर में, सीढ़ी
सीढ़ी से चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रहा था दोस्तों, तो उसके लिए एक रूप वे बना दिया गया है, वो देख सकते हो ठीक है। उसमें उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कितना पैसा लगता है, क्या चार्ज लगता है और कैसे लगता है ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, अभी जा रहा हूँ, देख सकते हो कितना काफ़ी संख्या में भीड़ है, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए रूप वे के लिए। तो मैं चार्ज पता करता हूँ कितना चार्ज ले रहा है जाकर के। बंद हो गया दोस्तों, बोला जा रहा है कि 2 बजे से खुला जाएगा ठीक है। मैं वैसे मैं बता देता हूँ कि कितना चार्ज पर ले लिया जा रहा है यहाँ पे। वो एक बोर्ड सटा हुआ है ठीक है, टिकट काउंटर पर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ और उसको आप लोगों को लिख करके पढ़ के सुनाते हैं। वो टिकट दर लिखा हुआ है जाने और आने का 80 रुपये दोनों साइड का ठीक है, 80 रुपये लिया जा रहा है। जाने का टिकट का सिर्फ जाने का टिकट नहीं मिलता, तो अगर आपको कभी टिकट कटाना है यहाँ पे आना चाहते हैं रोपवे पे, तो इसका जो टाइम टेबल देखो यहाँ देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है और 2 बजे से 5 बजे तक है, और उसके बाद ये काउंटर फिर क्लोज हो जाता है देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सब बहुत सारे लोग ये रोपवे में जाना चाहते हैं और बिहार गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी पहल थी। तो मैं कुछ व्यूअर से जानना चाहिए, टिकट कब से लेकर खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया। अच्छा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से अब नहीं मिला टिकट? मैं बोला लंच के बाद टिकट मिलेगा। क्या ये आपका पहली बार था क्या? फर्स्ट टाइम जा रहा है इस पे क्या? तो देख रहे हैं कि टिकट काउंटर बंद हो गया और जो लोग टिकट लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 बजे से चालू होगा ठीक है। मैं कुछ लोगों से बात करता जिन्होंने टिकट लिया है, जो टिकट दिखाया मैं कैसा ठीक है, देखते हैं टिकट में क्या लिखा हुआ। देखिए टिकट में 80 रुपया लिखा हुआ है, 80 रुपया लिखा हुआ है जाने आने का, जाने आने का दोनों का भाड़ा लिखा हुआ है, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा है। जी जी ठीक है जी। तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्या? हाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम है तो इनका फर्स्ट टाइम है तो ठीक है। तो हमारे सामने जो सर देख रहे हैं वो रोपवे से आए हैं, तो वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अगली बताइए सर, हमारे व्यूअर्स से क्या बताना चाहेंगे आप, कैसा रहा जर्नी आपका? बहुत सुंदर रहा, अच्छा रहा। यहाँ पर व्यवस्था यही रहा कि जाने और आने का दोनों का भाड़ा अलग अलग है, जिससे यहाँ के जो भी हैं मंदार के वासी हैं, यात्री हैं, जो भी आते हैं गरीब अमीर कोई डिफरेंट नहीं है, जाइए आइए अच्छा व्यवस्था। अपना मास्क लगा के जाइए आइए अच्छा सुरक्षा। नए जो व्यूअर्स आने वाले हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा, जो बहुत सारे लोग आने चाहते हैं? ये जाएंगे कि व्यवस्था जैसे वहाँ पर है, ये COVID-19 है, भीड़ को लेकर के वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए रहने का, बैठने का। अच्छा लोग भीड़ में बढ़ा रहे हैं बस। ओके बहुत बहुत थैंक यू। परमिशन के बाद हम लोग को रोपवे में देखने का मौका मिल गया दोस्तों, तो हम आप सभी व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है ठीक है, और यहाँ के लोगों से मैं बात और करूँगा कि किस प्रकार से उसको लग रहा है। ये देख रहे दोस्तों, ये चक्कर घूम रहा ठीक है। वो देखिए एक रोपवे वापस वहाँ से भी आ रही है। तो एक बार मैं थोड़ा सा किसी से इन्फॉर्मेशन लेगा कि भाई साहब से कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। खुलता है और 2-1 बजे बंद होता है लंच के लिए, 5 बजे बंद होता है। ये हर एक दिन खुलता है क्या? हाँ हर एक दिन बुधवार को बंद रहता है। सिर्फ बुधवार को? हाँ तो सिर्फ बुधवार को बंद रहता है दोस्तों, उसके बाद कहीं बंद नहीं होता है ठीक है। एक वहाँ रोपवे वहाँ देखिए आ रही है, तो उसके बारे में देखिए कैसे लोग आते हैं। एक यहाँ पर भी हमारे ऑपरेटर रूम रखा हुआ जो लोग इन लोगों को पकड़ते हैं। मेरे हिसाब से एक बॉगी में कम से कम 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं ठीक है। एक बार मैं उन साइड जाता हूँ और उन सब लोगों से बात करता हूँ कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। कैसा रहा सर सफर आपका? बहुत अच्छा। हाँ व्यूअर्स को कुछ बताइएगा कैसा रहा आपका सफर? सुन रहा और ये बिहार में भी इतना अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगा। और जो नए आने वाले उसके लोगों को क्या कहना चाहिएगा? नए आने वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा कितना चार्ज वैसे लिया जा रहा है सर? क्या चार्ज कितना है? चार्ज तो 2 साइड 80 रुपया है, 1 साइड 40। अच्छा तो सुना आप लोगों ने जो अभी तुरंत वहाँ से आ रहे हैं वापस करके, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं चलता हूँ उस पहाड़ में क्योंकि अभी तो बंद हो चुका है, हम लोग को पहाड़ में चढ़ना होगा, पैदल ही चढ़ना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो हम लोग फिर इस पर वापस आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर पैदल ही चलते हैं ठीक है। थैंक यू आप लोगों का। काफ़ी लोग थक गए दोस्त, हम और मेरा दोस्त दोनों देखो आपस में बैठ गए हैं ठीक है। ये भी काफ़ी थक गया है, हम लोग को पानी प्यास लग गया, बॉटल तो हम लोग लेकर के आए नहीं हैं,
यहाँ पे भी बॉटल मिल रहा है, ठीक है। आगे चल के हम लोग एक बॉटल लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शायद हम लोग कहे जमीन से काफ़ी ऊपर में, ठीक है। मैं एक बार ज़मीन का थोड़ा सा व्यू दिखा देना चाहता हूँ कि कितने ऊपर में। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो, जितने भी लोग हैं और भी ऊपर जा रहे हैं ये, और वहाँ पे भी हम दिखाएंगे, ठीक है। वो देखो दोस्तों, वो रोप पे दो आ रहे हैं, दो जा रहे हैं, यानी कि एक बार में दो आ सकता है, दो जा सकता है, ठीक है, ठीक रहे ना। और देखो आप लोग ज़मीन से काफ़ी ऊपर पे हैं दोस्तों। देखो वो रहा तालाब जहाँ पे हम आपको बताए थे कि पाप हारनी तालाब जो है नीचे रह गया, और ये हम लोग ऊपर में, और इसके ऊपर भी जो है अभी काफ़ी जाना। देख लो कितने भीड़ है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, खाई खाई है, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। ये कब तक चलेगा ये मेला, ठीक है, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, बताता हूँ लोगों को, आप लोगों को कि कब तक ये और मेला चलेगा, ताकि आप लोग अगर इसको आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर से हम लोग दोबारा बैठ गए हैं, पानी प्यास काफ़ी जोर से लग गया, देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गया है, ठीक है। और अभी हम लोग पानी पीते हैं, पानी वगैरह मिल जाता है, कोई जगह दिक्कत नहीं है आपको, आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं पानी वगैरह लेना। फिर वापस अब हम लोग फिर से चलते हैं, उसमें काफ़ी देर हम रेस्ट कर लिए, ठीक है। अब फिर से वापस हम लोगों को चढ़ना, कितना दूर चढ़ना है फिर से दिखा देते हैं। मैं अभी कुछ श्रद्धालुओं से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अभी तक कुछ खाना खाया नहीं है, और वो लोग इस मंदिर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रेरणा उनसे प्रेरणा लिया जा सकता है कि आप लोग पूजा के प्रति कितना समर्पित हैं, ठीक है। वो माता बहने हैं, मैं जस्ट अभी उनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। यही वो माता बहन है जो लोग इस मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरह के काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो ये मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। आप लोग भी आ सकते हैं, और किस चीज़ों का मंदिर है तो मैं जस्ट अभी बताता हूँ आप लोगों को देख करके। वैसे जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि दिगंबर जी का मंदिर है, और वो देखो अंदर वहाँ पे भी कोई मंदिर है, वो बताते हैं। तपस्थली जाने का रास्ता, ठीक है, इधर भी हम लोग चलेंगे। अभी जो ये मंदिर है इसमें हम लोग जाते हैं, पहले देखते हैं क्या यहाँ में भी देखो कुछ श्रद्धालु जो है पूजा कर रहे हैं, ठीक है। इनको सैल्यूट है कि इतने धूप में और इतने ऊपर 700 फीट के आसपास के ऊपर में ये लोग चढ़े हैं, और भूखे प्यासे ये लोग पूजा करने आए हैं, तो काफ़ी ये प्रेरणा की बात है हम लोगों के लिए। वैसे ये मंदिर बंद है तो श्रद्धालु लोग बाहर से ही पूजा कर रहे हैं ना। कब खुलेगा मंदिर वैसे? लॉकडाउन लगा है सर, क्या करेंगे। अच्छा, लॉकडाउन के कारण ये मंदिर था, ठीक है। वैसे अभी कोविड के कारण बंद रखा गया है, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया, बाहर से ही पूजा करने दिया गया। अब देख सकते हैं कितना ऊपर पर है, तो वो यार नीचे का नज़ारा देख रहा है, ठीक है। ये 700 से 750 के फीट के ऊपर में अभी हम लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे जो देखने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं।
जय श्री कृष्ण। तो बल तो क्या गया, उसके आगे क्या लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइस। अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे, काफ़ी देर से खड़े थे, हम लोग घूम रहे थे, देखो सब जगह गए जाकर के देखे, चारों तरफ जाकर के सिर्फ मंदिर में देखे गए, जैन धर्म का मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आकर पूजा कर रहे हैं। तो उसी बीच हमारे सामने दो तीन शख्स हैं जो इस यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जितने भी लोग आना चाहते हैं, जो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो 14 से 18 तक ये अभी चल रहा है दोस्तों। उसके बाद टाइमिंग अगर हम बोले तो सुबह अगर 5 बजे से लेकर के शाम 4 या 5 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद ये सब कुछ बंद हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सारा कुछ बंद किया गया है। तो फिर भी लोगों का ऐसा ज़बरदस्ती वो लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो मैं दो तीन लोगों से मैं बात करता जो जो यहाँ के बताएंगे, यहाँ के फेस्टिवल्स के बहुत महत्व के बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ पे भीड़ हो रहा है, ठीक है, और लोग यहाँ पे किस कारण हुआ सर, इसका मेन मकसद क्या है। यहाँ पे जो मेला लग रहा है, आप लोगों को पता है कि ये राजकीय मेला 2018 द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किया गया था राजकीय मेला। तो जो भी चीज़ है वो हमारे भाई साहब लोग हैं वो बताएंगे, तो उनसे हम मिलते हैं, उनसे आप बातें करते हैं, ठीक है। जो भगवान विष्णु माने जो है सो मधु कैटव दूध दैते थे, उनसे जो है सो 5000 वर्ष तक इसी मंदारगिरी पर्वत पे जो है सो युद्ध किए, जिसमें कि मधु और कैटव को वो 3 वरदान दिए थे। मधुसूदन यानी मधुसूदन जो हुए, मधु हुए राक्षस का नाम, सूदन माने होता है दमन करने वाला, जो मधु राक्षस को दमन किए यानी वध किए, उनका विष्णु जो है उनके नाम से बिके हैं, इसलिए कि उनका नाम मधुसूदन है। तो वो साल में जो है तो 3 वरदान थे मधु कैटव राक्षस को, कि साल में पहले जो है तो हमारे दर्शन हमको देने के लिए आना होगा, फिर आपको हमारे नाम से दुनिया जाने और आपके ही हाथ से हमारी मृत्यु हो। तो जिसमें ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मधु राक्षस को जो है तो दर्शन देने के लिए साल में एक रोज आते हैं मंदार पर्वत के नीचे तलहटी में, अद्वैत मिशन के बगल में एक भगवान बनी हुई है जहाँ पर उनको विराजमान करके जो है तो भगवान जो तो मधु को भी ये देते हैं दर्शन, और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी देते हैं। वैसे तो ये पूजनीय पर्वत ही है, जो समुद्र मंथन में एक तरफ देवता और एक तरफ दानव जो है तो समुद्र मंथन किए थे और इस पर्वत को मथानी बनाया, जिसमें कि विष्णु भगवान के कच्छप यानी कच्छप का जो अवतार लिए हैं वो उन्हीं के पीठ पे जो है तो ये पर्वत है। इससे 14 रत्न निकला, सबसे पहला रत्न जो है तो कालकूट नामक 20 हैं, और लास्ट में जो समृत है उनके पहले जो है तो ऐरावत हाथी है, 70वां घोड़ा है, कल्प वृक्ष हैं, चंद्रमा हैं, लक्ष्मी हैं, ऐरावत हाथी हैं, ये ऐसे करके 14 रत्न जो है तो इस समुद्र मंथन में निकले और इसी पर्वत में यानी मंदार हिल से ही जो है तो समुद्र मंथन इसको मथानी बनाए। तो दोस्तों देखा अंकल जी ने के पास कितना इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। अब मैं एक भाई साहब भी बैठे हैं हमारे सामने, ये भाई साहब ये रोप वे के बारे में बताएंगे, ठीक है, क्या यहाँ इधर से जाने का भी रास्ता है या नहीं है। इधर से जो भीड़ लग रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि सभी के सभी लोग यहाँ से रोप वे पर जाना चाहते हैं, ठीक है, और उनसे मैं पूछता हूँ कि ये कब तक खुला रहेगा, अगर और अगर आप लोग आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, सभी को जो भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ, उनसे पूछता हूँ और वो लोग वो बताएंगे अपने बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति दर्शकों को अधिकारित बनाए और मैं रोपवे की कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये जो है सप्ताह में 365 दिन चलेंगे हमारे रोपवे, और जो है हफ्ता में एक दिन बुधवार जो कि मेंटेनेंस होता है, और इसका जो है नीचे से टिकट मिलता है 80 रुपया उसका टिकट का मूल्य है, और जो कि वो आना जाना दोनों का होता है 80 रुपये। अगर आप ये हो सके कि आप पैदल चल के ऊपर आए हैं, यानी कि दर्शन करते करते ऊपर चले आए और यहाँ से हमको सिर्फ जाना है, तो यहाँ से जाने के लिए सिर्फ जो है 40 रुपये का टिकट आपको मिलेगा, और आनंद लेते हुए आप जा सकते हैं, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो ना प्रॉब्लम हो। क्या छोटे बच्चे के लिए भी चार्ज लगेगा? नहीं, छोटे बच्चे के लिए जो है 5 साल से ऊपर अगर है वो तो उसका टिकट लगेंगे, अगर 5 साल से नीचे है तो उनके लिए टिकट नहीं लगेंगे। और एक टेबल में 4 आदमी का जाओ है, 4 आदमी आप उस पर बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। और जो है ये दिन में चलते समय में जो है सावधानी से बैठना चाहिए, जब सब चक्कर में इधर हो गए उधर हो गए,
काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है और ये भाई साहब रोपवे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे के उनका तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बट उनके जो ऊपर से हैं तो उनका चार्ज लग रहा है, ठीक है। और मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ छोटा मोटा अगर स्नैक्स वगैरह पानी वगैरह सारा कुछ मिल रहा है, दोस्तों बिस्कुट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बेझिझक आकर यहाँ पे कर सकते हो सकता है, लेकिन कुछ चार्जेबल है, लेकिन आप खुद सोचो दोस्तों कि 700 से 750 रुपये के ऊपर में आकर के आपको सामान मिल रहा है तो वो कितना बेनिफिशियल, अगर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो सही आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं सपोज 10 रुपये के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 5-6 रुपये के लिए आप लोग कंसेशन या मार्जिन ना कराएं, क्योंकि ये 700 से 750 ऊपर फिर तक में सामान लाना फिर यहाँ से ले जाना ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर अब हम लोग वापस चलते हैं नीचे की ओर और फिर देखते हैं नीचे की ओर जाते हैं और दिखाते हैं नीचे में, और उसके बाद फिर वापस हम लोग दुकान वकान में कुछ देखते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर वापस हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नीचे चलते हैं अभी हम लोग। फिर का भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, पूछते हैं कि फोटो का यहाँ पर कितना चल ले रहा है, कितना चल ले रहा है भैया फोटो का? 20 रुपये। देखो इतना 700 से 750 के फीट के ऊपर में भी जाकर के 20 रुपये ले रहा है, 20 रुपये में कितना कॉपी मिलेगा? एक कॉपी। तो 20 रुपये में एक कॉपी मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं और फोटो खिंचा सकते हैं, 20 रुपये चार्ज है एक कॉपी का, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ गए हैं दोस्तों और अभी काफ़ी जोर से भूख लगी हुई है हम लोगों को। हम और सनी ने खाना का ऑर्डर कर दिया, एक सामने ही एक रेस्टोरेंट है, तो हमने और सनी ने रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दिया खाना। बस खाना खाने के बाद हम लोग फिर वापस घर की ओर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम कभी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों।